हेलो एवरीवन, एंशिएंट टू मॉडर्न हिस्ट्री में लेक्चर 13 देखेंगे. ठीक है, तो सातवाहनास को ही कंटिन्यू करेंगे. तो एक मिनट, तो सातवाहनास की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है पहले वो देख लेते हैं कौन सी थी. तो प्राकृत जो थी वो इनकी आम बोलने चालने वाली भाषा थी और इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी थी. ठीक है, कॉमन प्लस ऑफिशियल लैंग्वेज थी इनकी प्राकृत, तो ये ध्यान रखेंगे. और उस टाइम पे लेड, कॉपर, ब्रॉन्ज के जो हैं वो कॉइन्स जो हैं वो चला करते थे. ठीक है, अब पोस्ट मॉडर्न में और क्या क्या चीज़ें होती थी वो भी देख लेते हैं, क्योंकि उसी की बात चल रही है. तो डार्क एज, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इसे बोला जाता है, तो 200 टू 200 AD तक ये चलता है. ठीक है, और उसके बाद नो इंडियन डायनेस्टी कुड टेक द होल कंट्री का चार्ज. ठीक है, तो नो इंडियन डायनेस्टी टू कंट्रोल ऑफ होल कंट्री. तो ये भी कुछ बातें आप याद रखेंगे, ये इसके बारे में है कि पोस्ट मॉडर्न इराक के टाइम की. ठीक है, और उसके बाद ये भी ध्यान रखना है कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाली साइड थी ना वो वनरेबल थी और वहाँ पे काफ़ी सारे अटैक्स हुए. तो नॉर्थ वेस्ट जो थी वो वनरेबल पार्ट था इंडिया का. ठीक है, और वहाँ पे काफ़ी सारे अटैक्स हुए. किसने किसने किए? फ्रॉम इंडो ग्रीक, साकास, खुशानास, पार्थियंस. ठीक है, तो इन सब के अटैक्स जो हुए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाली साइड पे ही हुए. तो इसीलिए ये जो ईरा था वो डोमिनेट, हम मान सकते हैं कि वो डोमिनेट किया गया था बाय द फॉरेन रूलर्स. ठीक है, तो फॉरेन रूलर्स ने इसे जो है वो डोमिनेट किया था बिकॉज ऑफ मैनी अटैक्स इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बिकॉज इट वॉज वल्नरेबल एट दैट टाइम. ओके, तो इसको रब कर देते हैं. और उस टाइम पे जो इनकी स्क्रिप्ट थी ना वो स्प्रेड हुई ऑफ, मतलब कौन सी थी वो, काश इसको स्पेल कर लीजिएगा. ठीक है, प्रनाउंस कर लीजिएगा. तो ये स्क्रिप्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुई. और ये जो एज था, ठीक है, तो उसे जिसको हम डार्क एज भी बोल रहे हैं, तो इसे मर्केंटाइल एज भी बोला जाता था. क्यों बोला जाता था? इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि काफ़ी सारे जो रूलर्स थे उनका रूट कनेक्शन था विद दिस कंट्री बिकॉज ऑफ ट्रेड जो है वो फ्लरिश हो रहा था इन द सब कॉन्टिनेंट जो हमारा भारत का पार्ट था. ठीक है, तो ड्यू टू द फॉरेन जो रूलर्स थे उनके कनेक्शंस थे ड्यू टू द ट्रेड जो कि फ्लरिश हो रहा था इन अवर सब कॉन्टिनेंट. ठीक है, उसके बाद जो सिल्क रूट था ओवर द लैंड एज वेल एज इन द सी वो भी काफी ज्यादा फ्लरिश हो रहा था. तो फ्लरिश ऑफ द सिल्क रूट वाया सी एज वेल एज लैंड. ओके, तो उससे क्या हुआ, इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए और डायनेमिकली वो इंक्रीज हुई. ठीक है, तो ये भी बात आप कुछ याद रखेंगे. और जो मनी कलेक्ट होती थी ना वो जब इंडिया में आने लग गई तो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिकली जो पोजीशन थी उसकी इम्पोर्टेंस भी जो है वो बढ़ गई थी. ठीक है, और ट्रेड रूट जो है उसका काफ़ी योगदान रहा था, ट्रेड रूट का काफ़ी योगदान रहा था कि इंडिया की जो पोजीशन है वो पहले से ही इम्पॉर्टेंट थी लेकिन और इम्पॉर्टेंट बनाने के लिए ट्रेड रूट का काफ़ी योगदान रहा. ठीक है, अब हम कॉजेज़ देखेंगे ऑफ द फॉरेन इन्वेजन, क्योंकि जब हमने बात की है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से जो है वो काफ़ी सारे अटैक हुए, जैसे कि साकास, प्रतिहारास, इंडो ग्रीक, खुशानास वगैरह ने जो है वो अटैक किए, ये वल्नरेबल एरिया था. तो अब हम कॉजेज देखेंगे कि क्या थे कॉजेज ऑफ या फिर फॉर फॉरेन इन्वेजन. ठीक है, तो इसमें क्या है कि इनस्टेबिलिटी थी ऑफ द सेंट्रल एशियन, जो कि सेंट्रल एशिया का जो रीजन था, यहाँ पे मान लीजिए लेट्स से यहाँ पे इंडिया है, तो ये जो सेंट्रल एशिया वाला रीजन था तो यहाँ पे इनस्टेबिलिटी थी, उसके कारण जो था फॉरेन इन्वेजन जो होने लगी टुवर्ड्स द इंडिया. तो यहाँ से ही ये सब लोग आए थे, साकास जो जिन्होंने अटैक किया था ना नॉर्थ वेस्ट फ्रंट में, साकास, खुशानास, ठीक है, वही वाले सारे. ठीक,
और उसके बाद इनएबिलिटी टू मूव टुवार्ड्स द चाइना, क्योंकि वहाँ पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना थी इसलिए, ठीक है, तो चाइना में जो बन गई थी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो वहाँ पे इसलिए वो नहीं जा रहे थे। और ये भी पता होना चाहिए किसके द्वारा बनाई गई थी, 220 BC में बाय हुआंग यी, ठीक है। तो इसने बनवाई थी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और इसी की वजह से ये जो सारे रूलर्स थे जो सेंट्रल पार्ट के थे जहाँ पे इंस्टेबिलिटी थी, वहाँ से ये इधर चाइना में मूव ना करके इंडिया में मूव करते हैं, ठीक है। और दूसरी साइड पे अटैक क्यों नहीं कर पा रहे थे तिब्बत वाली साइड में, क्योंकि वहाँ पे हिमालयस थे, ठीक है। और सी साइड पे क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेवी नेवी थी, ठीक है। तो इसका ये रीज़न है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में हो रही है, ठीक है। अब चाइना वाली साइड क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक। और नीचे साउथ की तरफ क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि नेवी थी। तिब्बत की तरफ क्यों नहीं जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हिमालयस थे। तो ये कुछ बातें आप नोट करेंगे, ठीक है। इसीलिए कौन सा एरिया जो है वो वनरेबल रहता है आपका, नॉर्थ वेस्ट। तो इसीलिए जो है पहले जो बैक्टीरियंस थे वो भारत में आते हैं, ठीक है। उसके बाद वीकनेस ऑफ द सेल्यूकिड एम्पायर, जो कि सेक्युलर्स नेक्टर का था, वो भी जो है वीक हो चुका था। वीकनेस ऑफ द सेल्यूसिड एम्पायर, जो कि सेल्युलर्स नेक्टर का था, वो भी वीक हो चुका था, इसीलिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की तरफ उनका रुझान हो जाता है। और ग्रीक्स जो है वो सेंट्रल एशिया से इंडिया पर अटैक करते हैं, एंड वो फिर इंडिया में सेटल होने के लिए आ जाते हैं। उसके बाद अब हम क्रोनोलॉजी देखेंगे किन किन का अटैक हुआ और मतलब भारत पर। तो पहला जैसे कि बात की थी इंडो ग्रीक्स या फिर बैक्ट्रियंस, कुछ भी आ जाए दोनों के नाम याद होने चाहिए। साकास सेकंड नंबर पे आए थे, ठीक है। इन्होंने काफ़ी टाइम जो है वो अटैक्स किए, मोर टाइम अटैक किए इन्होंने। उसके बाद प्रतिहारन पार्थियंस, सॉरी, उसके बाद खुशानस, और ये काफ़ी पॉपुलर होंगे। कनिष्क जो इस टाइम पे जो राजा आएगा और बुद्धिज्म पे वो काफ़ी फोकस करेगा, तो ये पॉपुलर एम्पायर था, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी क्रोनोलॉजी आप याद रखिएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंडो ग्रीक से, ओके, जिसको हम बैक्ट्रियंस भी बोल रहे हैं, ठीक। तो ये 2nd सेंचुरी BC की बात है, ये नोट करते रहिएगा प्लीज आप। तो अब इनके जो राजा हुए इंडो ग्रीक के वो देख लेते हैं, ठीक है। तो बैक्ट्रियन डायनेस्टी शुरू हो रही है, तो इसमें जो राजा हैं इतने नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इनके स्पेलिंग्स भी इतने ऐसे ऐसे ही हैं, इंडो ग्रीक्स थे ये, तो फॉरनर्स थे। जो इम्पोर्टेंट होगा राजा, मैं उसी का नाम आपको लर्न करने के लिए कहूँगी, जैसे यहाँ पे मेनिएंडर, ठीक है, हेलिकस का नाम आप यहाँ पे याद करेंगे, और बाकी कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट मेक अ नोट ऑफ देम, ओके, फॉर योर फर्दर स्टडीज। तो ये सारे राजास थे आपके इंडो ग्रीक के और बैक्ट्रियन डायनेस्टी के अंडर। तो इसमें ये राजा और ये राजा को आप इनका नाम जो है वो याद रखेंगे। तो अब हम पहला अटैक देखते हैं, अटैक बाय डेमिडियस। ये फर्स्ट रूलर था जिसने इन्वेड किया था इंडिया को, किस टाइम पे, उस टाइम पे बृहद्रथा था, ठीक है, राजा। एंड ये जो था ये डिफीटेड बाय, मतलब जो डेमिरस था डिफीटेड बाय पुष्यमित्र संगा। और ये मैंने आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ कि पुष्यमित्र संगा जो है वो जो अशोका की जो डायनेस्टी थी वो मौर्यन एम्पायर उसको ख़त्म करके इसने अपना अपनी डायनेस्टी शुरू की थी, ठीक है। तो याद रखेंगे इसी टाइम पीरियड में आया था ये पुष्यमित्र संगा के टाइम पे, ठीक
सेकंड जो है मिनिएंडर, जिसका नाम मैंने याद करने को आपको कहा था क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर है उस टाइम का, और इसे मिलिंद भी बोला जाता है। ये कन्वर्ट हो गया था, मतलब इसने रिलीजन चेंज कर लिया था, कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म। क्वेश्चन ये आता है कि किसने इसको चेंज करवाया था, मतलब कन्वर्ट किसने करवाया था, तो नागसेनन की हेल्प से। ठीक,